नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानून पर एक समिति बनाते हुए इन कानूनों के अमल पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। समिति के सदस्य 2 महीने तक विभिन्न संगठनों से चर्चा करके अपनी रिपोर्ट देंगे। समिति की पहली बैठक 10 दिनों में होगी। किसान नेताओं ने साफ किया है कि वे किसी कमेटी से बात नहीं करेंगे। समिति में कृषि कानूनों के समर्थन है। वे लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन के साथ सरकार के समक्ष अपनी मांगे रखेंगे। अगर हमें अड़ियल कहा जाता है तो इन्हें कहने दें। हम आंदोलन को कमजोर नहीं करेंगे। किसान नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित समिति में कृषि कानूनों के पैरोकारों को जगह देने पर सवाल उठाए हैं। किसानों का रुख बता रहा है कि सरकार को 2 माह के पहले किसी फैसले पर पहुंचना होगा। जितने स्पष्ट किसान थे कि कोर्ट की कमेटी में नहीं जाना है, उतना ही स्पष्ट कोर्ट था कमेटी बनाना ही है। सरकार भी चाहती थी कि कमेटी बन जाए, लेकिन वह कानून के लागू होने पर रोक लगाना नहीं चाहती थी। कोर्ट ने कहा है कि हम कमेटी अपने लिए बना रहे हैं। क्या कमेटी ही समाधान का अंतिम रास्ता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई ताकत उसे कृषि कानूनों के गुण और दोष के मूल्यांकन के लिए एक समिति गठित करने से नहीं रोक सकती। यह न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा होगी। समिति बताएंगे कि कानून के किन प्रावधानों को हटाया जाना चाहिए और फिर वह कानून से निपटेंगे। हम जमीनी हकीकत जानना चाहते हैं। बीकेयू एकता की महिला शाखा की एक प्रमुख हरिंदर बिंदु का कहना है कि हम कानूनों को लंबित नहीं करना चाहते, हम इसे रद्द करना चाहते हैं। दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों के खिलाफ बैठे किसानों ने हरियाणा की राजनीति में हलचल पैदा कर रखी है। किसान आंदोलन ने राज्य की मनोहर लाल खट्टर सरकार को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री खट्टर और उनके उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बैठक के बाद सीएम खट्टर ने कहा, सरपंच पर संकट की खबरें निराधार है, सरकार पूरे 5 साल चलेगी। लंबी बहस के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के नए कृषि कानून पर होने पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। सीजेआई ने कहा है कि ये रोक अनिश्चित काल के लिए है। कोर्ट ने किसानों की समस्याओं और सरकार के साथ गतिरोध को सुलझाने के लिए 4 सदस्यीय कमेटी भी बना दी है।